केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत टाइम बाद में लिटरेचर इंग्लिश का जो सेकंड पार्ट है, जो अपना टॉपिक चल रहा था अ वेडिंग सॉन्ग, जो अपने लिखा था एडमंड स्पेंसर जी ने, जिनको कवियों के कवि भी कहा जाता है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम उसका सेकंड पार्ट आज हम सेकंड पार्ट नहीं कहेंगे सेकंड स्टेंजा आज हम लेके आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो अपने अ वेडिंग सॉन्ग, जिसको एपिथेलेमन भी कहा जाता है, यानी कि ब्राइड्स चैम्बर, जो दुल्हन का जो होता ना क्षितिज एंड ऑल, उसके बारे में है। तो जैसा कि हमें पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ये कविता या ये जो काव्य है एडमंड स्पेंसर ने अपनी बिलव्ड होने वाली वाइफ अपने एलिजाबेथ बोयल के बारे में लिखा था। उनका जो लिखा था ये टाइम था अपने 92 का, वो टाइम था 1592 का टाइम था, तब इन्होंने ये लिखा था। उनकी जब शादी हुई थी उन्होंने तो उनकी जो वाइफ थी ना, उनकी बिलव्ड होने वाली वाइफ, वो कैसे आ रही है उनका वर्णन किया, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य, जो नेचर्स ब्यूटी होती है, उसके बारे में, जो एक वुमेन की जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है ब्यूटीज, उनके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। उनकी जो आत्मचिंतन, वो अंदर क्या सोचते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो आज उसी का हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेंजा। तो सेकंड स्टेंजा कहता है, ओपन द टेंपल गेट्स अनटू माय लव, ओपन द टेंपल गेट्स अनटू माय लव, कि जो मेरा लव है ना, लव क्यों, उनकी जो होने वाली वाइफ वो आ रही है ना, तो उनके लिए जो गेट को है ना, जो अपने चर्च के जो गेट है, टेंपल, वहाँ का टेंपल क्या है, चर्च के गेट है, उनको आप वाइड कर लो, खोल दो, ओपन देम वाइड दैट सी मे एंटर, उनको इतना खोल दो, इतना फैला दो, वाइड का मतलब फैलाना होता है, उतना फैला दो कि वो यहाँ पे अंदर एंटर कर सके, यानी कि मेरे लव के लिए जो दरवाजा है ना वो खोल दीजिए ताकि वो यहाँ पे एंटर कर सके। एंड ऑल द पोस्ट एडोन एस्टर बिहेव, वैसे बिहेव करो जैसे वो चाहती है, वो जैसे चाहती है वैसा बिहेव करो, उनके लिए वेलकम करो। एंड ऑल द पिलर्स डेक विथ गार्लैंड ट्री, उनको जो डेक यानी डगरेना इसमें आया हुआ है कि जो पिलर्स है ना, हमको पता है जो चर्च होता है लाइक ऐसे ऐसे पिलर्स भी होते हैं, ठीक है ना, तो जो भी पिलर्स होते हैं ना उनको कैसे गार्लैंड जो होता है ना, एक लता होती है, एक पौधा है ना, उस पौधे की पत्तियों से क्या करना है आपको, ढक देना है। ढकने का मतलब, ढकने से क्या होगा, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, और ढक के ट्रिम करना है, जो ढके हुए उनको ट्रिम करना है, ट्रिम यानी कि जो व्यवस्थित भागों में उनको काटना है, एक जैसा काटना है। अपने हेयर ट्रिमर भी आता है हमें पता है, तो वो बालों को कट नहीं करता, क्या करता है, उनको ट्रिम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, तो उनको क्या करना है, ट्रिम करना है। फॉर द रिसीव दैट सेंट विथ ऑनर टू, और उनका कैसे, क्यों उनके ऑनर में वो आ रही है ना, तो सेंट कौन है, वहाँ के जो पुजारी हैं उनको भी इन सब का सम्मान करने के लिए कहा गया है कि वो जो आ रहे थे तो उनका सम्मान करिए, उनका वेलकम करिए एंड ऑल। सो विथ ट्रेम्बलिंग, अब देखो दैट कम्स इन टू यू, अब ये अपना सेकेंड टॉपिक है। ये देखो 20 से जो 5 लाइनों का उन्होंने अलग कर रखा था, अब 25 से ये जो भी है ना ये अलग कर रखा है उन्होंने। दैट कम्स इन टू यू, जो आ रही है इन टू यू, अंदर से आपकी तरफ आ रही है, विथ ट्रेम्बलिंग स्टेप, ट्रेम्बलिंग कैसे, कंप कंपे पावों से, अब कंप कंपे पैर क्यों कांप रहे, कोई बीमारी वगैरह तो है नहीं उनको, इस वजह से कांप रहे हैं बिकॉज ये जो नर्वस फील कर रही है, बहुत नर्वस फील कर रही है। अब ये शादी का जो मौका है लाइफ में एक बार आता है, हाँ कहीं कहीं ज़्यादा टाइम भी वो करते हैं, दो दो बार भी करते हैं शादी, देन वो बहुत ही प्रेसियस टाइम, बहुत ही प्यारा समय इन दोनों के लिए, अपनी लाइफ का एक नया मूड ले रहे हैं वो, तो जो एक एक कदम है ना तो वो उस हिसाब से ही रख रहे हैं। एंड वहाँ पर वो नर्वस होके कांपते हुए चल रही है, डर होता है, तो वो एक हिसाब से ट्रेम्बलिंग स्टेप और हम्बल,
एक विनम्र भाव से वो रिवरेंस कर रही है, आ रही हैं. से कम्स इन बिफोर द ऑल माइटिस व्यू, जो वो आ रही है और सब जगह जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा माइटी है. ओ हर, ये वर्ड्स इन लर्न ओबीडियंस. देखिए ओ हर, ये वर्जन, वो इतनी पवित्र दिख रही है, वर्जिन दिख रही है, लर्न ओबीडियंस. और वो अपने को क्या सिखाती है? ओबीडियंस, आज्ञाकारी है, विनम्रता, वो सब अपने को सिखा रही है. उसकी जो चाल से हमें पता चल रहा है इतनी प्यारी वो लग रही है. वैन सो ये कम इन टू दोस होली प्लेस, जब वो होली प्लेस में आएगी, कौन? उसकी बिलव्ड एलिजाबेथ बोएल. जब वो अपनी होली प्लेस, होली प्लेस कौन सा? जहाँ चर्च, चर्च में एक धोने टाइप होता है अपने ही, वहाँ पे जो चर्च में होता है ना एक स्टैंड टाइप होता है जहाँ पे वो लिखा जाता है एक्सेप्ट योर कुछ नाम होता है एज योर फ्यूचर वाइफ एंड प्रॉमिस हर डेट यू विल ऑलवेज सपोर्ट हर और हिम एंड केयर फॉर हिम, रेस्पेक्ट एंड ऑल. इससे बोला जाता है कि क्या आपको, जैसे हम कहीं कहीं के कबूल है. अब तो यहाँ पे क्या गायत्री परिवार या ऐसे कुछ होता है ना, शादी होती है उसमें भी ऐसे तो बोला जाता है, वो पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है. यहाँ पे जो पवित्र जल भी रखा होता है, तो ये क्या होली प्लेस है, वहाँ पे वो आते हैं टू हम्बल योर प्राउड फेस. और उसको देख के ही आपका जो फेस है ना एकदम हम्बल हो जाता है, एकदम विनम्र हो जाता है. आपकी जो प्राइड फेस है ना वो विनम्र हो जाता है. ब्रिंग हर अप टू द हाई अल्टर, जो पवित्र जो अग्नि होती है ना वहाँ पे उनको लेके जाओ, पवित्र अग्नि के वहाँ पे आप उसको लेके जाओ. दैट सी मे द स्कैर सेरेमनी देयर बर्डिक, ताकि वो क्या करेगी, वो जो उनके रीति रिवाज में उनके जो रैथ्स है ना उसमें वो जो सेरेमनी है होगी ना उसको वो पूरा कर सके. द विच डू एंडलेस मैट्रिमोनी साइड, और वो उनके क्या एंडलेस जो ख़त्म ना होने वाले मैट्रिमोनी, मातृत्व, देवी, देवित्व को बताता है या बन सके, दिखा सके. एंड लेट द रोरिंग ऑर्गन लाउडली प्ले, और क्या जो ऑर्गन है ना जो बजाने के लिए जो वाद्य यंत्र है ना उनको क्या है ना और भी ज़्यादा आवाज़ से और भी ज़्यादा जोरों शोरों से बजाया जाए. द प्राइजेस ऑफ लॉर्ड इन लेवली नोट्स, और उनकी जो प्राइजेस, जो क्या कहते हैं अपने प्रार्थना कहेंगे, उनकी जो प्रशंसा में जो होते हैं ना लेवली नोट्स होते हैं. नोट्स हम आपको पता है, एक शादी हुई थी अपनी क्वीन एलिजाबेथ के जो लेडी डायना की, तो लेडी डायना सॉरी वो नहीं कहेंगे प्रिंसेस डायना की, जो अपनी कहाँ की थी, हाँ डचेस ऑफ, आई डोंट नो डचेस थी कहीं के, मेरे को इतना याद नहीं है, सॉरी मैं भूल गई. देन उसमें क्या रहता है कि कैथेड्रल की थी, नो कहीं और की थी, तो उसमें क्या रहता है कि पर्टिकुलर जो लोग होते ना सबके हाथों में छोटे छोटे एक क्या जो नोट्स दिए जाते हैं, कुछ होली डिस्क्रिप्ट दिया जाता है, तो उसमें क्या है ब्लेसिंग दी जाती है, ब्लेस दिया जाता है, ब्लेस विद किसी भी चीज़, ब्लेस बहुत सारे आशीर्वाद दिए जाते हैं, आशीर्वाद की छोटे से होती है तो साथ साथ में सभी लोग गाते हैं, वो सभी लोग गाते हैं. That prizes of the Lord in lavender notes, notes में क्या उनके जो भगवान के लिए जो प्रार्थना एंड जो है ना सॉन्ग, द वायल विथ होलो थ्रोट्स, और जो तो अपने खाली गले से जोर जोर चिल्लाओ, द जो अपने कोरस होते हैं ना जो साथ में सॉन्ग गाने वाले होते हैं, कोरस होते हैं साथ में, पीछे पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग आते हैं. अपन देखते हैं ना अपनी बॉलीवुड में हुआ या बहुत सारे रिलेटिव शोज भी आते हैं, तो एक तो होता है जो मेन सॉन्ग गाने वाला होता है सिंगर, और पीछे पीछे कुछ छोटे छोटे जो आवाज़, मतलब कोई प्यार से आवाज़ निकालते हैं सब साथ में, तो सब साथ में जो लोग होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, कोरस कहा जाता है. तो वहाँ पर भी होते हैं सॉन्ग गाने वाले कि उनको कहा जाता है द जॉयस एंथम सिंग,
कि जो आप अपने इंजॉय के लिए अपनी जो प्रसन्न जो आप प्रसन्न हो अंदर से, तो वो जो सॉन्ग गा रहे हो ना, एंथम गा रहे हो, वो और भी ज़्यादा मतलब क्या कहते, खुशी से गाओ, जॉय से गाओ, दैट ऑल द वुड्स, कि सारा वुड्स, सारा जंगल में क्या करें, आंसर एंड देयर इकोरिंग, जो अपने जो आप सॉन्ग गा रहे हो ना, उनको क्या करें, आंसर करें, या फिर उसको इको करें, गूंजे, जो आप गा रहे हो उसकी प्रशंसा में, तो वो वापस गूंज जाए, ठीक है ना। तो ये था अपना सेकंड स्टेंजा एडविन स्पेंसर के। तो एक बार हम वापस रिवाइज देख लेते हैं कि ओपन देम टेम्पल गर्ल्स अनटू माय लव, ओपन देम वाइड दैट सी मे एंटर इन, एंड ऑल द पोस्ट एडोर्न एज डस बिहेव, एंड ऑल द पिलर्स टेक विथ गार्लैंड फ्रेम। तो क्या है ना कि जो गेट है उनको मेरे लव के लिए खोल दीजिए, जितना फैला सको उतना फैला दीजिए, ताकि वो अंदर आ सके, सभी पिलर्स को आप अच्छे से सभी पिलर्स को आप अच्छे से सजा दीजिए, सभी उनके स्वागत में, फॉर रिसीव्ड एट सेंट विथ ऑनर। तो ऑनर सबको कहा जाता है एक सेंट को, कि उनका जो ऑनर उनको सम्मान से उनको रिसीव करने जाए, डेट कम इन टू यू, जो आ रही हैं, कैसे आ रही है, ट्रेम्बलिंग स्टेप से, हम्बल रेवरेंस से जो आ रही हैं, सी कम इन बिफोर द ऑल माइटी, वो इतने बहुत प्यारे ढंग से आ रहे हैं, ऑन हर, देखो वो इतनी मतलब विनम्र भाव से आ रही हैं, इतनी पवित्र है, और जो अपने को क्या सिखाती है, ओबीडियंस यानी कि आज्ञा करना सिखाती हैं। वैन सो ये कम इन टू डूज होली प्लस में आओ, टू हम्बल योर प्राउड फेस, उसको देख के ही आपका जो क्या है, तो जो प्राउड फेस है ना, वो कैसा हो जाता है, हम्बल हो जाता है। ब्रिंग हर अप टू हाई अल्टर, उनको हाई अल्टर है ना, पवित्र धोनी के पास लेके जाइए, दैट सी मे, तो क्या जो सेरेमनीज होती है ना, वो वहाँ पे वो पूरी कंप्लीट कर सके। द विच डू एंडलेस मैट्रिमोनी मेक, जो क्या करते हैं, एंडलेस उसके मैट्रिमोनी जो साइल होती है वो उसको दर्शा सके, एंड दिव्यत्व जो हम कहेंगे एक नारी की जो सौंदर्यता होती है वो दिखा सके, एंड लेट द रोरिंग ऑर्गन, जो अपने रोरिंग ऑर्गन से अपने जो वाद्य यंत्र हैं उनको और ज़्यादा लाउडली बजाइए। द प्राइजेस ऑफ द लॉर्ड इन लाइवली नोट्स, जो नोट्स हैं ना भगवान के जो उनके लिए, वो और भी आप ज़्यादा जोर से खुशी से करिए, कि जब तक आपको जो कला है ना वो खाली नहीं हो जाता, ये खोखला नहीं हो जाता, द कोरस द जॉयस एंथम सिंग, जो जॉयस उनको कहा गया है करिस्टर को, कि आप और भी जो सॉन्ग है ना और भी जॉय के साथ में गाइए, दैट ऑल द वुड्स, तो क्या सारा जो जंगल है ना मे आंसर एंड देयर इकोरिंग, जो आप गा रहे हो ना उसको वापस वो जंगल यानी प्रकृति क्या करे, प्रकृति जो होती है वो उसको इको करे, उसको वापस करे, इको करे एंड गूंज जाए। तो ये था अपना जो सेकंड टॉपिक है, अभी हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो ऑलराइट, सो ये है अपना सेकंड थर्ड स्टेंजा, अ वेडिंग सॉन्ग बाय एडविन स्पेंसर। सो हम लास्ट स्टेंजा में पढ़ रखा है कि जब वो आते हैं, उनकी जो ब्यूटीफुल वाइफ आती है, तो सबको कहा है कि आप उनका रेस्पेक्ट करिए, उनको पोलाइटली उनको रेस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाइए, इतनी वो प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो सेकंड में ही ऐसे ये अपने थर्ड में भी लाइक दैट वो कहते हैं, बिहोल्ड वाइल बिफोर द एल्टर स्टैंड, तो क्या खुद को होल्ड करके बैठिए, हम कहते हैं ना दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने तशरीफ ला रही है। सो लाइक दैट ये कहते हैं कि बिहोल्ड, अपने को थाम कर, सी बिफोर द अल्टर स्टैंड, की जब वो अल्टर स्टैंड के पवित्र स्टैंड के सामने हो, तब खुद को आप होल्ड करके बैठिएगा। हियरिंग द होली प्रिस्ट दैट हर स्पीक, कि जो होली प्रिस्ट ने कहा है ना उसको, उनकी जो वाइफ को होली प्रिस्ट ने जो उनको कहा है, उनको सुनकर, उनको हेयर करके,
एंड ब्लेस्ड हर विथ हिज टू हैप्पी हैंड, उनको सुना, उन्होंने कहा कि क्या आपको मंजूर है, इनका कुछ नाम बताया होगा, हाँ अपने एडमिन स्पेंसर के साथ में आपको शादी, अब उनको आप अपना फ्यूचर हस्बैंड कबूल मानते हो, उनको एक्सेप्ट करते हो, देन ये कहती है येस, ऑब्वियसली ये क्रिश्चियंस जो रहते हैं, येस आई एक्सेप्ट एडमिन स्पेंसर एज माई फ्यूचर हस्बैंड। देन उसके बाद में फिर उनको क्या ब्लेसिंग देते हैं, कौन ब्लेसिंग देते हैं, अपने होली प्रिस्ट जो पुजारी होते हैं ना, वो उनको क्या कहते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो उनको सुनकर उनको होली जो होली प्रिस्ट के जो स्पीक्स है उनके जो ब्लेसिंग को सुनकर जो आशीर्वाद देते हैं, वो कैसे आशीर्वाद देते हैं, दो हाथों से जो आशीर्वाद देते हैं उसको सुन के वो क्या हो जाती है, हाउ द रेड रोजेस फ्लश अप इन हर चिक्स, कि उनके जो गालों पे क्या हो जाता है, ब्लश से क्या हो जाते हैं, रोज़ गुलाबी रंग, जो गुलाबी रंग के उनके गाल हो जाते हैं शर्म के मारे, या फिर लज्जा आ जाती है, फ्लश करने लग जाती है। तो क्या होता है, जब बिहोल्ड आप दिल थाम के बैठिए कि जब होली प्रिस्ट के आगे उनके जो स्पीच को सुन के, उनके जो ब्लेसिंग को सुन के कैसे वो शर्मा जाती है, और शर्म के मारे उनके जो चिक्स है वो कैसे रोज़ जैसे पिंक हो जाते हैं, लाइक हाँ एंड द प्योर स्नो विथ गुडली वर्मेंट स्टेन। तो ये देख के वो मतलब क्या होता है, इसमें प्रकृति का बहुत अच्छे से वर्णन किया कि आपको पता है कि जब अपने स्नोमैन होता, स्नो होते हैं ना, स्नो यानी कि अपने जो ओ ये स्नो होती है, बर्फ होता है, बर्फ के ऊपर किसी ने जो सिंदूर, वर्मेल का मतलब होता है सिंदूर को फेंक दिया हो, किसी ने उसका छिड़काव कर लिया हो, उस हिसाब से जो उसके वाइट फेस पे वो जो शर्म से शर्म के जो उनके गाल रोज़ या गुलाबी होते हैं वो एकदम वैसे हो लगते हैं कि किसी ने स्नो के ऊपर सिंदूर का छिड़काव कर लिया हो, ठीक है ना। दैट हाँ लाइक क्रिम्सन डाइड इन ग्रेन, कि जो क्रिम्सन होते हैं ना, क्रिम्सन कलर उन्होंने डाई कर रखा है ग्रेन चावल के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद में दैट इवन द एंजल्स डैट कंटिन्यूली, जो अपने एंजल्स होती हैं, देवदूत हैं, वो कंटिन्यूली क्या कहते हैं, अबाउट द स्केयर अल्टर टू रिमाइंड, वो भी उनके सामने खड़े हैं, वो भी कहते हैं ना कि जब अपनी राम जी और सीता जी की शादी हुई थी रामायण में, तो ऊपर जब शादी हुई थी ना, तो देव मतलब 33 करोड़ देवी देवताएँ उनके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं, ऐसे मोस्टली हम देखते होता है राधे कृष्णा भी कोई वो लव टाइम में होते हैं तो कोई फूल बरसाते हैं, तो वैसा ही इनके साथ में हो रहा था कि इनका जो मिलन हो रहा था ना, तो उनका क्या प्रकृति देव भी उनके क्या कर रहे थे, गवाही दे रहे थे, ठीक है ना। तो अबाउट द स्केयर अल्टर टू रिमाइंड फॉरगेट देयर सर्विस, वो अपना काम भूल जाती है, क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको देखने के बाद वो अपना काम, कौन एंजल्स होती है ना, वो अपना काम भूल जाती है, एंड क्या करते हैं, अबाउट हर फ्लाई वो उड़ने लग जाती है। अब वो आपको पता है, हम कभी कभी जो स्टैंड्स होते हैं मंदिर के बाहर में, तो वहाँ पे एक जो ऐसे बने हुए होते हैं, क्या कहते हैं अपने, ऐसी देव प्रतिमाएं बनी होती है जिसके क्या पंख होते हैं लाइक वैसे देव प्रतिमाएं बनी हुई होती है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो उस हिसाब से वो बने होते हैं, बहुत सभी मंदिरों के बाहर माला लेके या हार लेके खड़े होते हैं वो एक एंजल्स, तो वो क्या करे, वो अपना काम भूल गई है और क्या करने लगी है, उड़ने लग गई है खुशी के मारे, द मोर दे ऑन इट्स स्टेयर, पहले तो वो उनको बस देख ही रहे थे, अब वो अपना काम करने के अलावा और क्या काम कर रहे हैं, उसको घूर रहे हैं, किसे घूर रहे हैं, अपनी एलिजाबेथ बोयल को, कौन है, अपने ये एडमिन स्पेंसर की बिलव्ड वाइफ, होने वाली वाइफ, अभी तक हुई नहीं है, होने वाली वाइफ को क्या कर रहे हैं, वो घूर रहे हैं, कौन, एंजल्स के घूर रही है, द मोर दे ऑन इट्स स्टेयर, बट हर सैड आई, उनकी आंखें कैसी हैं, सैड है, सैड क्यों है,
क्योंकि वो अपनी एक जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन में जा रही है, अपनी जो फैमिली साइड को, अपनी जो परिवार वालों को भी। तो लड़कियों की लाइफ कैसे होती है, बिफोर पहले तो होती है शादी का टाइम होता है, ये जैसे मेन शादी होती है, शादी से पहले फैमिली का रुख होता है, अपने मम्मी पापा एंड भाइयों का, और शादी के बाद पति का हो जाता है सब कुछ। तो वो बीच में खड़ी होती है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पे क्या होता तो है ना, दुख भी होता है उस देखो पुराने जीवन के लिए जो एक दुखी भी होती है, सबको भूलने के लिए वो गम भी होता है, और नए जीवन की शुरुआत, नए जीवन के लिए खुशी भी होती है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर्स होता है, तो कभी हंसी कभी खुशी दोनों इस टाइम पे होता ही है, रोते हैं कभी हंसते हंसते चिल्ला के नहीं, पागलों की तरह नहीं, बट हाँ मिक्सचर जो होता है इसका, ये टाइम ही ऐसा होता है गर्ल्स के लिए। बट हर सैड आइज, उसके जो दुखी आँखें कहाँ है स्टील फैसिनेटेड ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे टिकी हुई है, उसकी सैड आइज जो अपने ग्राउंड पे टिकी हुई होती हैं आर गवर्नेड विथ गुडली मॉडेस्टी। और वो कैसी है फिर भी, वो मॉडेस्ट है, सब उनका कैसे मॉडेस्ट विनम्रता से उनको गवर्नेट कर रहे हैं। दैट सफर्स नॉट वन लुक टू ग्लैंस अवे, और कोई भी मतलब ऐसा नहीं, सब ग्लैंस कर उनको देखने के लिए सभी उत्सुक है, एक्साइटेड है उनको घूमने के लिए, सब उनको देखने के लिए, ठीक है ना। फिर वो इतनी अच्छी लग रही है, प्यार लग रही है, विच मे लेट इन अ लिटिल थॉट अनसाउंड, तो वो छोटे कुछ एक आवाज़ें भी होती हैं जो सब उनको देख के क्या फुसफुसाते हैं, कुछ एक आवाज़ें करते हैं उनको देख के, उनको ऐसा फील हो रहा है कितनी स्वीट है, सुंदर है। जैसे अपनी यूजली शादी में बुआ चाचियाँ वो सब करती है, पड़ोस की आंटियाँ जो बोलती है ना, देख लो ऐसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, इसका क्या कहते हैं ईयर रिंग्स अच्छा है, बिंदी अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, नहीं ये लहंगा अच्छा नहीं, ये तो उनका था। जैसे अपने नेहा कक्कर की शादी हुई थी ना, इसने तो लहंगे की जो चोरी कहाँ से की है, दीपिका पादुकोण से की है या कुछ ऐसे किया है, तो वैसे वो कमेंट करने लग जाते हैं, लाइक दैट, आदत है, आदत से मजबूर है, तो क्या कर सकते हैं बेचारे। सो वाई ब्लश यू, अब वो कहता है अपने जो होने वाले उनके पति देव कौन, एडविन स्पेंसर कहते हैं, तुम शर्मा क्यों रही हो, वाई यू ब्लश मेरे प्यार, आप क्यों शर्मा रहे हो, टू गिव टू मी योर हैंड, अपना जो हाथ है वो मुझे दीजिए, मेरे हाथों में दीजिए, दैट प्लीज आवर ऑफ ऑल आवर बॉन्ड, और अपने बॉन्ड को और भी, क्या तुम नहीं चाहते कि अपना बॉन्ड और भी मजबूत हो, क्या तुम नहीं चाहती अपना बॉन्ड और भी मजबूत हो, क्यों दुखी हो रही हो, मेरा हाथ थाम लीजिए। सिंग ये स्वीट एंजल्स, और फिर क्या एंजल्स को कहते हैं, वहाँ पे जो देवदूत होते ना उनको क्या कहते हैं, आप सॉन्ग गाओ कौन सा, एलेलुया, ये कोई सॉन्ग है वहाँ का, एलेलुया, हाँ एलेलुया जो सॉन्ग है ना वो आप बहुत ज़ोर ज़ोर से गाइए। अब ये कोई इनका ब्लेसिंग वाला सॉन्ग होता होगा, जैसे अपने यहाँ पे होते ना सॉन्ग फिक्स होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए फिक्स सॉन्ग होते ही है, कभी मंदिर जाने के लिए अलग से सॉन्ग होते हैं, कभी शादी के लिए अलग से सॉन्ग होते हैं, क्योंकि बिना वो शादी होती नहीं है। सो वहाँ पे भी एलेलुया सॉन्ग होते हैं शादी के टाइम में, जैसे अपनी शादी में विदाई के टाइम में विदाई का सॉन्ग गाया जाता है, लोग आते हैं जैसे दुल्हन आती है तो उस टाइम पे कोई अलग से सॉन्ग गाया जाता है, तो वो कब हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, क्योंकि एक ही तो है हम सब। दैट ऑल द वुड्स, इतना ज़ोर से गाओ क्या एलेलुया सॉन्ग कि पूरा जो जंगल है ना वो क्या हो, आंसर दे योर इको रिंग, आप जो सॉन्ग गा रहे हो उसका वापस वो आंसर दे या फिर गूंज जाए, ठीक है। ये था अपना थर्ड पूरा स्टेंजा, सो एक बार और पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अपने जो इनके इंटरनल भाव होते हैं, लेडी की जो इनर फीलिंग्स होती है उनको उन्होंने डिस्क्रिप्ट किया है, और उसके बाद में वहाँ का जो पूरा माहौल है ना, नेचर जो नेचर ब्यूटी होती है वहाँ का पूरा माहौल है, आर्किटेक्ट एंड ऑल, और क्या कहते हैं उपमा अलंकार तो दिया ही है ऑब्वियसली, एलिट्रेशंस वगैरह सारे इसमें यूज़ कर रखे हैं, एंड राइमिंग भी हमने पहले ही पढ़ रखी थी कि इसमें राइमिंग कौन सी होती है, देन राइमिंग भी बहुत अच्छी अच्छी है, देख लीजिए हाँ स्टैंड स्पीक्स हैंड ए पी ए, ये सारे उन्होंने बहुत अच्छे से राइमिंग यूज़ कर रखी है। राइमिंग इसमें ये रहता है कि पीछे जो साउंड क्या आता है
उसके हिसाब से हम उनको एक जो तुकबंदी कह सकते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि स्टैंड्स का साउंड हम उसको ए करते हैं, स्पीक ही थोड़ा बी अलग रह जाने दो, ए बी, और इसमें क्या है स्टैंड और हैंड साउंड सेम है, देन ए, ठीक है, चिक्स स्पीक्स एंड चिक्स बी, तो बी हो जाएगा, स्टेन को क्या कर देंगे हम सी सी, तो इसका जो क्या कहते हैं सॉरी बी ए बी सी सी, उन्होंने ये राइम इसकी राइम स्कीम क्या हुई ए बी सी सी, ये इनकी जो राइम स्कीम है, तो ये उन्होंने इस तुकबंदी से उन्होंने लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लास्ट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उसको, बिहोल्ड वर्ड्स से बिफोर द अल्टर स्टैंड, दिल थाम के बैठिए कि जो अपने पवित्र जने के पवित्र स्थल के पास आ रही हैं उनके वाइफ, हियरिंग द होली प्रिस्ट डेड टू हर स्पीक्स, जो अपने हियर सुन के क्या जो होली प्रिस्ट कह रहे हैं उसको कह रहे हैं, एंड ब्लेस्ड हर विथ हिज टू हैप्पी हैंड, तो वो अपने टू हैप्पी हैंड से उन्होंने क्या उनको आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देने के बाद में हाउ द रेड रोजेस, देखिए कितने प्यारे रेड रोजेस फ्लश या ब्लश भी कह सकते हैं, एक धब्बे आ जाते हैं अप इन हर चिक्स उनके गालों पे, एंड द प्योर स्नो, क्या प्योर स्नो जो एकदम स्नो होती ना वाइट, उसके ऊपर किसने गुडली अच्छे से वर्मल स्टेन अपने जो सिंदूर के धब्बे हो, लाइक क्रिम्सन डाइड इन ग्रेन, जैसे कि वो चावल को किसने क्रिम्सन से डाइड किया कर रखा हो, दैट इवन द एंजल्स दैट कंटिन्यूली अबाउट द स्कैड अल्टर टू रिमाइंड, तो वो भी अपना काम बुलकन को देख रहे हैं अपने पवित्र स्थल के ऊपर, फॉरगेट देयर सर्विस, अपना काम भूल गई है इतनी सुंदर है, एंड अबाउट हर फ्लाई, वो क्या कर रही है उड़ने लग गई है, ऑफ पीपिंग इन हर फेस दैट सीम्स मोर फेयर, हाँ ये हमने नहीं पढ़ा, तो जो पीपिंग कर रहे हैं मतलब हल्की सी स्माइल होती है, बुदबुदाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो उसके चेहरे का जो रंग है ना वो और भी प्यारा लगने लग जाता है, हल्की हल्की जो स्माइल दे रहे हैं, कभी स्माइल है कभी दुख है, तो वो जो मिक्सचर्स होता है ना उसमें वो और सुंदर लग रही है और ज़्यादा प्यारी लग रही है, बट हर सैड आइज, नहीं हाँ द मोर दे ऑन इट्स स्टेयर, और ये देख के लोग और भी उनको घूरने लग जाते हैं, बट हर सैड आइज, पर उनकी क्या सैड उदास आंखें स्टिल फैसिनेट ऑन द ग्राउंड, वो क्या ग्राउंड के ऊपर और अब टिकी हुई है, ओके बट हर सैड आइज ओके आर गवर्नेड, वो क्या गवर्नेड विथ गुडली मॉडेस्टी, सब उनका स्वागत करते हैं, दैट सफर नॉट वन लुक टू ग्लैंस, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ऐसे कर रखे कि उनको इग्नोर करने वाला एक भी नहीं है, हाँ अपने जैसे होंगे जो खाने पे ध्यान देते हैं, शादी में जाते हैं दुल्हा दुल्हन क्या करें हमें कोई मतलब नहीं है, खाने में ध्यान देते हैं, बट उनके यहाँ पर शायद तक ऐसा सिस्टम नहीं होता होगा, उनके सब साथ में ही बैठते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हमारे यहाँ पर कभी ऐसा हो ना, विच मे लेट इन अ लिटिल थॉट अनसाउंड why blush you, फिर आवाज़ आती है छोट बुदबुदाने की एंड जो भी है, why flush, जो स्प्रिंग करते हैं उनकी सारी आवाज़ आती है, why blush you, तुम क्यों शर्मा रहे हो, love मेरे प्यार तो क्यों शर्मा रहे हो, to give to me your hand, अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो, the bliss of all our bond, क्या तुम नहीं चाहते अपनी बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाए, sing ye sweet angels hallelujah song, और इसको कहते हैं एंजल्स को कहते हैं जो सॉन्ग है ना कौन सा एलेलुया सॉन्ग, आप उसको और भी अच्छे से प्यारे से स्वीटली गाइए, दैट ऑल द वुड्स, क्या कि सभी जंगल मतलब सभी जो लकड़ियां है, ऑल द वुड्स का मतलब होगा कि जंगल है वो क्या करे आपके गीत को क्या करे इको करे गुंजायमान करे, कि प्रकृति पूरी गुंज जाए, ये उन्होंने लिखा है, तो उसके बाद में अपना रहेगा एक लास्ट टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक रहेगा अपना जिसमें अपने को जो एक फोर्थ स्टैंजा
फोर्थ स्टैंजा के साथ में, उसके बाद में कुछ हम देखेंगे, उसके कुछ एक नोट्स हम देखेंगे। नोट्स देखने के बाद में ये वाला टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में ये देखने के बाद में पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में, अगर देखो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आते हैं, ऐसे तो सभी अपने जो केपी कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही मैंने नोट्स दे रखा है, बट इफ़ कोई भी किसी को नहीं मिला देन वो सीधा आप कॉलेज में आके अपने कॉलेज से नोट्स ले सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरे नंबर है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताना। बाकी अपना कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड की वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत लोगों की क्या दुखांत मृत्यु हो रही है। सो आई होप आप सेफ होंगे, सेफली अच्छे से आप रहिएगा घर पे। सो बहुत अच्छे से है, तो अब इसके लास्ट में चलो मैं आपको ये अगला टॉपिक ये भी बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें है अपने को, इसमें क्या होता है कि नाउ ऑल इन इज डन, फिर क्या एंड में क्या होता है, जो सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, फिर सब घर पे आ जाते हैं, ब्रिंग होम द ब्राइट अगेन, फिर क्या कहते हैं कि अपनी जो वाइफ है उनको वापस लेके आइए, लेके आते हैं, उसके बाद में उनको जो जीत की खुशी है वो मनाते हैं, और जो हैप्पी टाइम होता है वो उनको मनाते हैं, नेवर हैड मोर जॉयफुल, और वो दिन उनके लिए क्या बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो फिर सबको कहते हैं कि आप पार्टी करिए, दारू पिए, गिलासों से नहीं बल्कि पेट भर भर के बाल्टियों से पी लो, बस ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है। सो अभी ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।